गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज द ट्रीज, नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में पोइम को कंप्लीट करेंगे। इन लास्ट टू स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके थे कि पोइटस जो है औरतों के बारे में, लेडीज़ के बारे में बता रही थी कि उनको एक पेड़ों का प्रतीक दिया गया था, जिस तरह पेड़ जड़ रहते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, उसी तरीके से उसने औरतों को चित्रित किया था कि औरतें घर के अंदर रहती थी, बाहर नहीं, उनको समाज में ज़्यादा स्थान नहीं मिलता था। तो लास्ट टू स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके थे कि औरतों ने अब अपने पुनरुत्थान के लिए बाहर निकलना शुरू कर दिया है। ये पेड़, जंगल और घर के माध्यम से बताया गया था। इन नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स, ओपन द वरेंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइंस इन ए स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रिचिज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स। देखिए पोइटिस कहती है, आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। पोइटिस जो वरेंडा के अंदर बैठी है, दरवाजा खुला है वरेंडा का, और उसमें लॉन्ग लेटर्स लिख रही है, मतलब वो औरतों के हक के लिए हमेशा लिखती थी, उसने औरतों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो वो वहाँ पर बैठ कर उसके जो उनके बारे में लिख रही है। इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसके अंदर उसने अच्छी तरह से मेंशन किया है, वो चित्रित किया है, उसको नोटिस में दिया है कि किस तरह से जो डिपार्चर है, जो वो जो प्रस्थान है वो शुरू हो चुका है जंगल हाउस से, घर से जंगल की ओर, यानी औरतें अब घर से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइंस इन ए स्काई स्टिल ओपन, रात्रि साफ है, चंद्रमा पूर्ण तरह साइंस चमक रहा है, इन स्काई स्टिल ओपन, खुले आकाश में अभी तक चंद्रमा चमक रहा है, यानी अब आशावाद की किरणें निकल चुकी हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, पत्तों की सुगंध, लिचन एक प्रकार का पौधा होता है, स्टिल रिचिज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, पत्तों की सुगंध और लिचन की सुगंध जो है वो अभी तक कमरों में एक आवाज़ की तरह पहुँच रही है, मतलब अब जो औरतों की जो आवाज़ है, औरतों के झटकारों की आवाज़ है, वो अब घर घर तक पहुंच रही है, औरतों में जब पुनर्जागृति आ गई है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमोरो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, वाइंड्स रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट। देखिए क्या कहता है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमोरो विल बी साइलेंट, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे, विस्पर्स माने कानाफूसी हो रही, बहुत सारे विचार उथल पुथल मचा रहे हैं, विच टुमोरो विल बी साइलेंट, जो कि कल तक शांत हो जाए, लिसन सुनो, डां लगाकर सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है, द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड टू द इन टू द नाइट, पेड़ जो है कांपते हुए लड़खड़ाते हुए आगे रात्रि में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इन दो लाइनों का मतलब समझिए, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है, यानी कि पेड़ आगे बढ़ रहे हैं, खिड़कियों में से जब आगे जा रहे, दराज में से आगे जा रहे हैं, तो शीशे टूट रहे हैं, मतलब औरतों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, उनके पैरों में जो जंजीरें पड़ी हुई थी वो टूट रही हैं, उन्होंने अब लड़खड़ाती है। देखिए जब कोई आदमी शुरू में काम करता है तो उसे बहुत दिक्कत आती है, चलते समय उसको अपना काम शुरू करने में बहुत समस्या आती है, अब औरतें जब घर से बाहर निकली हैं तो उनको समस्याएं होंगी, उनको नए जीवन की शुरुआत करेंगी तो दिक्कतें आएंगी। वाइंड्स रश टू मीट देम, हवा उनसे मिलने के लिए उत्सुक है, यानी ताजगी हवा, वो खुली हवा में सांस लेने के लिए उत्सुक है, और ताजी हवा यानी आज़ादी उनसे मिलने के लिए उत्सुक है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चंद्रमा एक टूटे हुए शीशे की भांति दिखाई देता है, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, कहता है इसके जो टुकड़े हैं, अब ओक ट्री एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है जो 300 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रहता है, ओक ट्री जब चंद्रमा जो है ओक ट्री के अंदर से जब देखते हैं तो उसकी डालियों में से चंद्रमा टूटा हुआ नजर आता है, और ऐसा लगता है कि ये ओक ट्री के बलूत का जो पेड़ होता है उसकी चोटी के ऊपर एक क्राउन, एक ताज की भांति चमक रहा है, यानी अब औरतों को चमकने का समय आ गया। इस पोइम में पोइटस ने औरतों को बाहर निकलने के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए इसी बारे में बताया। आप इसको रीड एंड राइट करेंगे, ये इसका सेकेंड पार्ट था जो कि कम्प्लीट हो गया, अब हमारी पोइम कम्प्लीट हो गई है, आप इसको रीड एंड राइट करेंगे। थैंक यू।